तेबे बंगोपसागर उपकूल आड़क माड़ आसुची बात्या यश 26-27 तारीख मध्य छुईब स्थलभाग windy.com आकलन अनुसार बालेश्वर करिपारे लैंडफॉल तेबे संपूर्ण खबरटी जानिबापाई भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखन्तु। तेबे पूर्व केन्द्रीय बंगोपसागर दुई दिन पर सृष्टि हेबाकु जाउथिबा लघुचाप कोण रूप नेबो कुआडे गति करिबो एवं केउठी लैंडफॉल करिबो ताकु नै एबे चर्चा। आउ windy.com रो आकलन जदि ठीक हुए तेबे मे 23 तारीख रे लघुचाप घनीभूत हेबा आरंभ करिबो। आउ मे 24 तारीख रे एही लघुचाप बात्या रूप रे अधिक घनीभूत हेबार संभावना रहिछि। यहाँ पर उत्तर पश्चिम दिग को गति कर। मे 25 तारीख में बात्यार संपूर्ण कलेबर परिवर्तन होबो। मे 26 तारीख में यह बात्या ओडिशा उपकूल निकटवर्ती होबो। तेबे पारादीप और चांदबाली मध्यवर्ती अंचल में बात्यार प्रभाव आरंभ होइजिवो। windy.com आकलन अनुसार यह चांदबाली बालेश्वर और दीघा मध्य लैंडफॉल करिबार संभावना रही। 26 तारीख राति 11टा परठारु यह प्रक्रिया आरंभ हो पारे। आउ मे 27 तारीख सका 5टा बेलू एमंर आकलन अनुसार बात्यार आखि स्थलभाग अतिक्रम कर सारी बारिपदा और बेतनटी गति करपटे संभाव्य बात्या एसआरसी बैठक होकूलवर्ती 10 जिलार जिलापालों सह आलोचना। पापाग विभाग एनडीआरएफ ओड्राफ अग्निसेवा बाहन सह एसआरसी आलोचना कर आउ समुद्र को जाइथिबा मत्स्यजीवी 23 तारीख सकाळ पूर्वरु कूळकु फेरि आसिबाकु एसआरसी आह्वान देइछन्ती। बात्या नै बिव्रत नहेबाकु एसआरसी जनसाधारणकु कहिछन्ती। तेबे संभाव्य बात्या मुकाबिला नै जिला स्तररे समस्त प्रस्तुति होइथिबा सूचना देइछन्ती एसआरसी। एहि बात्या सम्बन्धी अधिक टेक्निक खबर सर्वप्रथमे जानिबा पई आम चैनल को सब्सक्राइब करन्तु आउ पाखरे थिबा बेल आइकनटी को दबाइ दियन्तु।